गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, आज हम कवर करेंगे, देखो ये दिया है आपका कि दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, यानी दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देते हैं कि दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर एक के बराबर होगा, बट लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी। तो डायग्राम क्या निकल के आएगा बेटा, यही तो निकल के आएगा, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब इसका जो केंद्र होगा वो इस तरह से होगा और नाभियां इस तरह से इस पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये एस और एस डैश हो गया। अब हमें बिंदु की स्थिति निकालनी है, किसकी स्थिति निकालनी है, बिंदु की स्थिति। तो बिंदु की स्थिति निकालते हैं, तो मान के चलो कि यहाँ एक बिंदु है और बिंदु की स्थिति निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने एक लंब डाला P बिंदु से और ये Q बिंदु हो गया, ये P है और एक Q बिंदु है और ये M बिंदु है। ठीक है, P और M बिंदु है। अब इसमें हम देखें कि इसके जो निर्देशांक हैं वो मान के चलो एक्स वन कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, तो इसके निर्देशांक x1 होगा और इसका भी x1 होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप इसमें देखें कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है y के, y का मान कुछ और होगा, तो इसको y1 ले लेते हैं और इसको y2 ले लेते हैं। ठीक है, y1 और y2 ले लेते हैं, लेकिन q जो पॉइंट है आपका किस पे है, परिधि पर है और उन दोनों की हमें स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि इसमें क्या है कि ये Q बिंदु कहाँ पर है, दीर्घवृत्त पर है। देखो, जब जब बिंदु बिंदु Q जो है आपका Q दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो इसको समीकरण एक दे दीजिए। ठीक है, स्थित है और Q के जो निर्देशांक हैं वो कितनी है, x1 कोमा y2 है, x1 कॉमा वाई टू हो गया। तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो देखो, बिंदु जब बिंदु Q x1 कॉमा वाई टू दीर्घवृत्त पर स्थित है, ठीक है, दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करें कि समीकरण एक को बिंदु x1 कॉमा वाई टू से गुजारने पर जब हम इसको गुजारेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और बाई टू स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा इसमें कि आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करो, आप करो कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि एक्स वन ए स्क्वेयर अपॉन एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वल टू वन माइनस बाई टू स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो जाएगा ना। ठीक है, अब दोनों ओर बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए इसे। अब इसमें क्या निकल के आएगा कि एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और ये कितना हो जाएगा प्लस बाई वन स्क्वेयर अपॉन कितना हो जाएगा बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन माइनस और इसको या एक थोड़ा सा और कर देते थे, एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और माइनस वन इक्वल टू माइनस बाई टू स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये माइनस वन आ जाएगा और इक्वल टू बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस बाई टू स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखें कि एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर और माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वेयर ले लेते हैं, बाई वन स्क्वेयर माइनस बाई टू स्क्वेयर हो गया कि नहीं हो गया।
ठीक है। अब बाई वन की वैल्यू कितनी हो सकती है बताइए, बाई वन की वैल्यू कितनी है? पी एम हो गई, कितनी वैल्यू हो गई? पी एम बाई वन इक्वल टू, देखो बाई वन की डिस्टेंस यहीं से तो यहीं तक तो हो गई भे बाई वन, और यहां से यहां तक कितनी हो गई? बाई टू, और ये बाई वन हो गया है? तो देखो बाई वन इक्वल टू क्या होगा? पी एम, पी एम और बाई टू इज इक्वल टू क्यू एम हो गया। तो देन कितना हो जाएगा? एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस वन और इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वेयर, और बाई वन की वैल्यू कितनी है? पी एम स्क्वेयर माइनस और क्यू एम स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया आपका, देखते हैं अब देखो। अब ये समीकरण आपका आया कितना? तीन हो गया लास्ट में। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि यदि केस फर्स्ट है कि यदि पी एम इक्वल टू क्यू एम हो, पी एम इक्वल टू क्यू एम हो तो एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बाई वन स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस वन, तो ये वन अपॉन बी स्क्वेयर, तो पी एम स्क्वेयर माइनस पी एम स्क्वेयर के बराबर हो गए, इससे कैंसिल है। तो देखो एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इस स्थिति में जीरो आ गया, तो बिंदु पी इस स्थिति में बिंदु पी पी दीर्घ वृत्त पर होगा, कहाँ होगा? दीर्घ वृत्त पर होगा। के सेकंड देखें कि यदि कि पी एम इज ग्रेटर देन क्यू एम, पी एम इज ग्रेटर देन क्यू एम, पी एम की दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और क्यू एम की दूरी कम है, तो इस स्थिति में ये इसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो इसका मतलब है कि पी बिंदु जो है आपका कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो इस स्थिति में कि बिंदु पी दीर्घ वृत्त के बाहर होगा, ठीक है, कहाँ होगा? बाहर होगा। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन है, केस थर्ड है कि यदि पी एम और लेस देन क्यू एम हो, कितना हो बेटा? क्यू एम हो लेस देन, तो इसका मतलब पी की जो पी एम की दूरी है वो क्यू एम से छोटा हो गया है, क्यू एम हो, तो इस स्थिति में दीर्घ बिंदु पी वृत्त के अंदर होगा, जब अंदर होगा, ठीक है। तीनों स्थिति हो गई कि नहीं होगी बेटा? क्लियर हो गया ना? यही आपको देखना था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे कि एक बिंदु से दीर्घ व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू द
इलिप्स। अब ये देखना है बेटा कि एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लिया जाए तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो इसमें दिया है दीर्घ वृत्त की समीकरण। क्या होगी दीर्घवृत्त की समीकरण? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बने, समीकरण एक हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी है तो डायग्राम ये निकल के आएगा, ठीक है, एक्स और एक्स डैश बाई बाई डैश और ये सी के बराबर है। अब इसमें हम देखें कि ये एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु किससे जा रही है, एक्स वन कॉमा बाई वन से। तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है कि बाई बराबर एम एक्स, बाई बराबर एम एक्स प्लस इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा। दीर्घ वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण बाई बराबर एम एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यह समीकरण हो गया आपका दो, ठीक है। जैसे एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त को, दीर्घ वृत्त को बिंदु x1 कॉमा y1 पर, वृत्त को बिंदु x1 कॉमा y1 पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब जो स्पर्श करके जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इनकी स्पर्श रेखा देखो कि समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो से नहीं, बिंदु बिंदु x1 कॉमा y1 पर समीकरण दो से स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये हो जाएगा बाई वन एम एक्स वन प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसको इधर ले आओ कि बाई वन माइनस एम एक्स वन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो देखो बाई वन स्क्वायर और प्लस दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कौन बताएगा, प्रवणता ही तो बताएगी, तो m बताएगी, तो m के रूप में इसको ब्रेक करेंगे। भाई प्रवणता क्या होती है, m होती है, और बिंदु से क्या निकल के जा रही है, एक स्पर्श रेखा। तो रेखाओं की संख्या किस पर डिपेंड करेगी, m पर डिपेंड करेगी। तो देखते हैं इसमें दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो बाई वन माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे देखो देखो खोलो इसको कि बाई वन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू वो माइनस का टू एम यानी एक्स वन बाई वन एम, यही तो हो जाएगा इसका, ठीक है। और इक्वल टू क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये और ये ले लिया। अब माइनस का क्या टू एक्स वन बाई वन एम प्लस बाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या होगा कि एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वन
बाई वन एम और प्लस बाई वन माइनस बाई वन स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यह द्विघात समीकरण एम ही पर तो निर्भर करेगा है? एम पर निर्भर करेगा। यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, दो मूल होंगे, दो मूल होंगे तो मूल से तो रेखा निकलेगी नहीं निकलेगी, तो दो मूल होंगे कि माना माना M1 व M2 दो मूल हैं। तो देखो M1 प्लस M2 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन इसमें से वो कर लीजिए कि a m स्क्वायर माइनस प्लस b m और प्लस c इक्वल टू जीरो है, तो a की जो वैल्यू आएगी वो x1 स्क्वायर और a स्क्वायर आएगी, और जो b की जो वैल्यू है वो माइनस की 2x1 y1 आएगी, और c इक्वल टू यानी y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर आएगी। अब हमें देखना होगा कि देखो मूल तो कितने m1 और m2, तो मूलों का योग, मूलों का योग तो m1 प्लस m2 माइनस का b अपॉन a, तो देखो b की वैल्यू कितनी है माइनस, और माइनस 2x1 y1 अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है x1 स्क्वायर a स्क्वायर, तो देखो कितना 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल m1 m2 तो c अपॉन a हो गया, तो m1 m2 इक्वल टू c की वैल्यू तो y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया आपका मूल कितने हो गए योग, ठीक है, और गुणनफल आ गया। अब तीसरी वैल्यू और होती है, उसको भी निकाल सकते हैं कि m1 माइनस m2 का होली स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 का होली स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो इसमें रख दो भाई तो कितना हो जाएगा 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर a स्क्वायर का होली स्क्वायर माइनस 4, और ये हो जाएगा बाई वन स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इससे आप x वो एम वन माइनस एम टू और इस पर अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस समीकरण से, इस समीकरण से इसका एक ले लो और दो निकालो, तो एक और दो को हल करके और आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्थात इससे क्या रिजल्ट निकला कि मान कितने निकले, दो, कितने मान निकले, दो मान निकले हैं, यानी आपके m के रूप में जब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक किया था यानी द्विघात समीकरण में, तो m के दो मूल होंगे, तो दो मूल होंगे, तो मैंने दो मूल माने कौन से m1 और m2 मान लिए, और मैंने इसका निकाला तो ये m1 का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, और मूलों को ज्ञात करने के लिए मूलों का अंतर भी होना चाहिए, तो ये अंतर है और ये योग है, इसको सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कि समीकरण, समीकरण एक व दो को हल करके, हल करके मूल, मूल m1 व m2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। अंत में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, रिजल्ट ये निकला कि दीर्घ व्रत के किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है बेटा, ये आ गया ना, क्लियर हो गया आपका। तो क्या रिजल्ट निकला था बेटा,
कि अगर दीर्घ वृत्त पर एक बिंदु लिया जाए उससे स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपकी समझ में आया होगा बेटा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चनों को निकालो बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको पूछ, वैसे मैं उनको सॉल्व कर करके मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। और इनको बहुत कंटेस्ट करिए इनको, ये जो आपकी जो ये जो आर्टिकल है उनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करिए, और बिल्कुल आर्टिकल सॉल्व करोगे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।